आज पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन उसी श्रृंखला में जय विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा आज के दिन निषेध आंदोलन किया गया, जहां नागपुर स्थित वैरायटी चौक पर भिन्न विदर्भ की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। गौरतलब है कि विदर्भ क्षेत्र भारत के केंद्र में स्थित है और महाराष्ट्र राज्य का पूर्वी भाग है। विदर्भ के एक अलग राज्य की सबसे पहली मांग संयुक्त महाराष्ट्र की अवधारणा से पहले ही 100 साल पहले उठाई गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रांत विधानमंडल ने 1 अक्टूबर 1938 को नागपुर में एक अलग राज्य महाविदर्भ बनाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, जिसके चलते कुछ लोग 1 अक्टूबर को विदर्भ दिवस के रूप में मनाते हैं। ज्ञात हो कि विदर्भ राज्य का गठन पश्चिम महाराष्ट्र के राजनीतिक दल के शासन के कारण नहीं हुआ है, ऐसा बोला जाता है, किंतु आज भी विदर्भ राज्य अलग नहीं हुआ, जिसके चलते आज विदर्भ के 11 जिलों में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा निषेध व्यक्त किया गया, जब विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के नागपुर विभाग के युवा अध्यक्ष मुकेश मासूरकर ने जानकारी दी। आम्ही 1 मे हा प्रत्येक वर्षी काळा दिवस पाळतो, कारण आजच्या दिवशी आम्ही 1 मे 1960 महाराष्ट्र सामील झालो, तेव्हापासून आमची अधोगती सुरू झाली। आम्ही प्राणपणाला लावून आमचं सर्वस्व गहाण ठेवून आम्ही विदर्भासाठी लढलो, शेवटपर्यंत लढलो, परंतु ह्या सरकारला जाग आली नाही म्हणून आता इथून आंदोलनाची तीव्र मालिका म्हणून आजच्या दिवशी आम्ही इथून घोषणा करत आहोत आणि आजपासून विदर्भाची जनता हे रस्त्यावर दिसेल, विदर्भ घेतल्याशिवाय राहणार नाही, कारण महाराष्ट्रात 65 वर्ष राहिलो आणि 65 वर्षात आमची अधोगती झाली, आम्हाला आमचं स्वराज्य पाहिजे, आम्हाला स्वतःचं राज्य पाहिजे, त्याच्याकरता ही लढाई सुरू झाली आहे। ज्ञात हो की भिन्न विदर्भ की मांग को लेकर पिछले कई सालों से जय विदर्भ राज्य आंदोलन समिति कार्यान्वित है, जहां कई धरने मोर्चे और आंदोलन के माध्यम से भिन्न विदर्भ की मांग की जा रही है। उसी श्रेणी में आज विदर्भ के 11 जिलों में निषेध व्यक्त किया जा रहा है, उसी के चलते वैरायटी चौक पर निषेध नारों के साथ आंदोलनकारियों ने निषेध व्यक्त किया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आज पूरे राज्य में महाराष्ट्र दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन उसी श्रृंखला में जय विदर्भ पार्टी द्वारा भिन्न विदर्भ की मांग को लेकर जो है वैरायटी चौक पर यहाँ निषेध व्यक्त किया जा रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, क्या बताना चाहेंगी, किस प्रकार से जो है आप जो आंदोलन इस वक्त कर रहे हैं, क्या आंदोलन? दर वर्ष महाराष्ट्र दिनाचा निषेध करतो, कारण की 1 मे 1960 महाराष्ट्र मध्ये आमच्या विदर्भाला जाणून बुजून जबरदस्तीने करून घेण्यात आलं, कोणतेही जनमत घेतलेलं नाही। त्यावेळेस अलिखित करार असा झालेला होता की विदर्भाचा मुख्यमंत्री, परंतु विकास मात्र पश्चिम महाराष्ट्राचा, हे आम्हाला अजिबात मान्य नाही आहे। म्हणून विदर्भाची एवढी लूट झाली आहे 60 वर्षामध्ये की आमचा विदर्भ भकास करून ठेवलेला आहे, कारण की या लुटीमुळं काय झालं, इथे जे खनिज संपत्ती आहे, नैसर्गिक साधन संपत्ती आहे, रेल्वेचं जाळं आहे, एअरपोर्ट आहे, आणि आमच्याजवळ सगळी खनिज संपत्ती आहे, परंतु इथे कोणतेही इंडस्ट्री जाणून बुजून आणले गेली नाही आहे। त्यामुळे काय झालं की आमच्या इथल्या तरुणाच्या हाताला कुठलंही काम मिळालेलं नाही आहे, आणि त्याच्यामुळे काय झालं की आमच्या इथला तरुण शिकून सवरून पोस्ट ग्रॅज्युएट झाले, डॉक्टर झाले, इंजिनियर झाले, डॉक्टरचं सोडा इथे मिळू नाही जाते त्यांना, परंतु त्यांना पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे, मुंबई, नाशिक, ठाणे इथे सर्व्हिसच्या निमित्ताने जावं लागतं, पोट भरायला जावं लागतं। याचा परिणाम काय झाला की आमचा विदर्भ हा ओल्डेज होम बनलेला आहे, म्हणजे सगळे ज्येष्ठ नागरिक विदर्भामध्ये आणि तरुण मंडळी पूर्ण पश्चिम। काही समस्या आहे और समस्याओं को लेकर जो है विदर्भ पार्टी द्वारा भिन्न विदर्भ की मांग जो यहां की जा रही है, क्या बताना चाहेंगे? काले फीते पहनकर आप जो है महाराष्ट्र दिवस के दिन विदर्भ की मांग, काले फीते पहनकर हम ये दिखाना चाहते है महाराष्ट्र सरकार को, केंद्र सरकार को। मेरा नाम है प्रशांत जी कुमार, मैं विदर्भ राज्य आंदोलन समिति वाहतूक आघाड़ी जिला अध्यक्ष हूँ। आज 1 मे सारा महाराष्ट्र महाराष्ट्र दिन मनाता है, लेकिन आज के दिन विदर्भवादी ये काला दिन मनाते हैं, इसलिए 1 मई 1953 को विदर्भ की जनता को धोखा देकर इन्होंने महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्र में विदर्भ को मिलाया, और तब से सतत विदर्भ की जनता पर अन्याय अत्याचारों की मारा बहुत जोरों से चालू है। उन्होंने कहा था कि 25% हम युवा को रोजगार देंगे, 25% आरक्षण देंगे, 25% हर उस गवर्नमेंट फैसिलिटी में हम विदर्भ की जनता को देंगे, लेकिन उन्होंने ये सब नकारा, इन्होंने इससे झुटलाया।
लगाया और इन्होंने धोखा दिया। आज नागपुर के ही मुख्यमंत्री जब देवेंद्र फडणवीस थे, वो 2014 के पहले बोलते थे कि जब तक मैं विदर्भ लूंगा नहीं तब तक के मैं शादी नहीं करूंगा। आज उन्होंने शादी भी किया है, उनके बाल बच्चे बड़े, उनका भवितव्य बहुत उज्ज्वल हो गया है। मुख्यमंत्री से अब उप मुख्यमंत्री बन गए और नागपुर के केंद्र मंत्री जो अपने नितिन गडकरी है, उन्होंने भी कहा था शांतिनगर कॉलोनी चौक पर कि जब विदर्भ राज्य में हमारी सत्ता केंद्र में और राज्य में आएंगी तो हम विदर्भ राज्य देंगे। लेकिन नितिन गडकरी जी ने भी वो अपनी भाषा भूल गए। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि युवा आत्महत्या कर रहे हैं। जय विदर्भ। विदर्भ की भिन्नता की मांग को लेकर निरंतर चल रहे आंदोलनों के बीच आज महाराष्ट्र दिवस के मौके पर विदर्भ के राज्य विलय का निषेध किया गया, जहां सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस द्वारा आंदोलकों को गिरफ्तार भी किया गया, जहां पुलिस की वैन में चढ़ते हुए भी आंदोलकों ने भिन्न विदर्भ की मांग करते हुए नारेबाजी की, जिससे वातावरण आक्रामक प्रतीत हो रहा था। दर्शकों, आज पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिन मनाया जा रहा है, लेकिन उसी श्रृंखला में जय विदर्भ पार्टी द्वारा भिन्न विदर्भ की मांग को लेकर जो है बड़ी ही मात्रा में निषेध व्यक्त किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार के मुर्दाबाद के नारे यहाँ दिए जा रहे हैं, सरकार के विरोध में जो है यहाँ नारे दिए जा रहे हैं। मुर्दाबाद के नारों के साथ जो है ये आंदोलन बड़ी ही तीव्रता से जो यहाँ किया जा रहा है, जिससे कि ज्ञात हो कि 1 मई 1960 को जो है नागपुर करार अंतर्गत महाराष्ट्र में विदर्भ को विलीन किया गया था, और जिसके बाद से ही जो है 11 जिलों को स्वतंत्र विदर्भ राज्य का जो है विदर्भ राज्य की मांग जय विदर्भ पार्टी द्वारा निरंतर की जा रही है, और उसी का जो है उसी की तस्वीर जो है आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरी, NBC News के लिए नागपुर। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।